हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं समरी ऑफ कुरान, व्हाट अल्लाह सेज इन कुरान। तो टॉपिक ये है कि कुरान में अल्लाह ने क्या कहा है, समरी ऑफ कुरान के बारे में, मतलब कुरान की जो समरी है, कुरान के अंदर क्या क्या कहा गया है। तो इसकी एक छोटी सी झलक, छोटी सी वीडियो में पूरी कुरान की समरी, जो कि बहुत ही मेन टॉपिक और बहुत ही मेन बातें बताई गई है। कितनी प्यारी है ये बातें, हम आप लोगों के साथ ये इसी वीडियो में देखेंगे, समझेंगे और हमें कौन सी बात सबसे प्यारी लगी है ये आपको इन द एंड बताएंगे। आप लोग हमारे साथ वीडियो में कंप्लीट बने रहना, कंप्लीट वीडियो को देख के जाना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपका कौन सा बेहतरीन वाला पार्ट है, या आपका सारे ही पार्ट बेहतरीन है डेफिनेटली, अगर आप इफ यू आर मुस्लिम, और इफ यू आर नॉन मुस्लिम और हमारी वीडियो देख रहे तो आप भी हमें कमेंट कर सकते हो कि आपका कौन सा बेहतरीन पार्ट लगा है आपको इस पूरी समरी के अंदर। और शेयर कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे, व्हाट अल्लाह सेज इन कुरान। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत पसंद टीवी ने आज तक जितनी भी वीडियोस पेश की हैं, ये बिला शुबा उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो का मकसद आप तक कुरान हकीम की समरी पहुंचाना है। काफी स्लो मोशन में, काफी प्यारे मोशन में हमने, हमारी टीम ने देखा कि एक्चुअली शॉर्ट, छोटी सी कुरान हकीम की एक समरी इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। लंबे बयानात हैं, लेकिन छोटी ऐसी समरी जो सुनने वाले, देखने वाले के दिमाग में ये बात समझा दे कि इस अजीम उशान किताब जिसका नाम कुरान हकीम है, इसके अंदर लिखा क्या है। जैसे कि मैंने कहा, कुरान हकीम अल्लाह ताला का खिताब है इंसान के साथ। दोबारा सुन लीजिए, कुरान हकीम अल्लाह ताला का खिताब है इंसान के साथ, और अल्लाह ताला की जात इस किताब में इंसान से ये कह रही है कि इस सारी कायनात का रब, मालिक, मेकर, मैन्युफैक्चरर मैं हूं। ये अल्लाह की जात फरमा रही है, इंसान को बताती है कि ये सब कुछ मेरा है। तुम भी मेरी मखलूक हो, फरिश्ते भी मेरी मखलूक हैं, और मैंने इंसान, फरिश्ते और जिन भी अल्लाह की मखलूक हैं, इनको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इस किताब में अल्लाह की जात फरमाती है, इंसान को मैंने पैदा करने के बाद हिदायत भी पहुंचाई है। यानी कि ये किताब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी, ये कुल जहान के लिए अल्लाह की हिदायत है। और इस किताब में अल्लाह की जात फरमाती है कि अब जब के हिदायत तुम्हारे पास आ गई, अब तुम्हारे पास सिर्फ वक्त है। कितना वक्त है इस जमीन पे, वो सिर्फ अल्लाह की जात खुद जानती है। इस वक्त के दौरान जबकि हिदायत हर इंसान के पास आ गई कुरान हकीम की सूरत में, इस दौरान अगर इंसान ज्यादा नेकी के आमाल करता है, वो आमाल जिनका अल्लाह की जात ने हुक्म दिया है, और वो आमाल क्या है, अल्लाह पर यकीन, आखिरत, रोजे आखिर पे यकीन, और अल्लाह की राह में हकदारों को देना, और ऑफ कोर्स नमाज, रोजा, हज और ज़कात और सदका, ये चीजें, कलमा तैयब ऑफ कोर्स, ये वो चीजें हैं जो आमाल आपने करने हैं। जिस इंसान ने ये आमाल किए और उसकी नेकियां ज्यादा हुई, वो जन्नत में जाएगा। और अल्लाह ताला की जात ये भी फरमाती है इस किताब में कि जिसने ये आमाल ना किए या कुछ आमाल किए लेकिन गुनाह किए, और जिसके गुनाह ज्यादा हुए
वो इंसान जहन्नुम में जाएगा, इस किताब में क्लियरली लिखा गया है। और इस किताब में ये भी बताया गया है कि हक किसी इंसान की, हर इंसान हर मखलूक अल्लाह ताला ने उसे अपनी इबादत के लिए पैदा किया। नबी पैगंबर से लेके आम तरीन इंसान तक हर अल्लाह की मखलूक है, और अल्लाह की मखलूक अल्लाह के सामने जवाबदेह है। नबी पैगंबर से लेके आम इंसान तक हर इंसान अपने आमाल के लिए अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह है रोज़े क़यामत को। और रोज़े क़यामत कब होगा, इसकी इंफॉर्मेशन अल्लाह की ज़ात ने सिर्फ अपने पास रखी है, किसी को भी इस बात का इल्म नहीं है कि क़यामत कब आएगी। ये है कुरान हकीम की टोटल समरी। आपको बहुत सारी बातें, इंफॉर्मेशन इस्लामी बता के आपसे शेयर की जाती है दुनिया में। अगर आप उस इंफॉर्मेशन को इस समरी के मुताबिक पाएं तो समझने के बाद इस्लामी है। और अगर कोई किस्सा, कहानी कोई और आपको सुनाता है जो इस बात से बालातर है, जो अभी हमने नेक नियति और खुलूस से आपके साथ शेयर की है, तो समझ लें कि वो बात दुरुस्त नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि जो समरी आपके सामने पेश हो गई, तो अब आपने इस किताब को खुद खोलना है और तर्जुमे के साथ इसको खुद पढ़ के वेरीफाई करना है कि क्या हकीकत पसंद टीवी ने इंसाफ किया, जो बात की दुरुस्त की, या अपनी तरफ से खुदा ना खास्ता कोई बात इसमें ऐड की। और चलते चलते कुरान हकीम का मिजाज बहुत सख्त, अल्लाह की ज़ात ने बड़े जलाल के साथ ये किताब उतारी। इस किताब को पढ़ने के बाद कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि रोज़े आखिर कोई आसान चीज़ होगी और अल्लाह की ज़ात उस दिन गज़बनाक ना होगी। और ये बात भी अल्लाह की ज़ात ने फरमाई इस किताब में कि लोगों को, इंसानों को और जिनों को उनकी बदआमालियों की वजह से जहन्नुम को भर दिया जाएगा उन लोगों से। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जो कोई आपको आसान तरीके बताता है कि बस शॉर्टकट से इंसान जन्नत में पहुंच जाएगा, कुरान हकीम का मिजाज ऐसा नहीं है। कुरान हकीम जो बताता है वो ये है कि अगर आपकी नेकियां हुई ज्यादा फिर बचत होगी, अगर गुनाह ज्यादा हुए कोई बचत नहीं है। यही आपसे शेयर करना था। जज़ाकअल्लाह सुनने का, बहुत देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब को ईमान अता फरमाए। ओके, तो ये थी आज की समरी ऑफ कुरान, जो कि अप्रोक्स 7 मिनट के है। और जैसे कि इन्होंने कहा कि यूट्यूब पे जो कुरान की समरी है वो बहुत बड़ी बड़ी वीडियो है, लेकिन छोटी सी वीडियो के अंदर इन्होंने छोटे से बयान के अंदर छोटी सी काफ़ी कुछ बता दिया। और जो मेन चीज़ें हैं, बिल्कुल जो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं, वो इस समरी के अंदर है, और बहुत ही प्यारे तरीके से और स्मॉल, बहुत ही स्लो मोशन में बताया इन्होंने। तो आप लोग भी अगर ओरिजिनल वीडियो का लिंक देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग इनकी और भी वीडियोस को विजिट कर सकते हो। और अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है, ये इस वीडियो को ये माध्यम से इन्होंने हमें बताया, और इतनी छोटी वीडियो में इतनी पॉइंट टू पॉइंट बात शायद ही यूट्यूब पे आपको मिलेगी। तो इनके लिए बहुत बहुत मतलब शुक्रिया कि इन्होंने इस टाइप की वीडियो बनाई हुई है, बहुत ही प्यारी। आप लोग देखिए हमारी वीडियो कैसी लगी, रिएक्शन हमारा ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को हमारी, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही प्यारी वीडियो है बनाई हुई है इन्होंने, समरी ऑफ कुरान, कुरान से रिलेटेड वीडियो है। तो लाइक जरूर कीजिएगा आप वीडियो को, और कमेंट में जरूर लिखिएगा कुरान को कौन कौन पसंद करता है, किस किसने पढ़ चुके हैं कौन कौन। तो डेफिनेटली मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब किया भी ना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।